नमस्कार दोस्तों, ओमनिसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनिसेंस इंग्लिश के तहत 933वें दिन क्लास देख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक फिर नए फ्रेश वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। और जो टेक्स्ट है दोस्तों वो देखेंगे, साथ ही 10 लेटर वाले वर्ड जो कि एल शुरू होते हैं उस पर भी बात करेंगे, और जो वॉवल्स है उसका उच्चारण कैसे होगा, और एक और लास्ट में उसका प्रैक्टिस कैसे करेंगे जिससे कि आप अंग्रेजी पढ़ना बहुत जल्दी सीख सकते हैं। चलिए सबसे पहले नए चैनल सब्सक्राइब किए दोस्तों, और घंटी को दबाइए जिससे पता चल के वीडियो कब कब आता है। और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही जो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कराना भूलें जिसका नाम ओमनिसेंट है। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों इस टेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। ये जो टेक्स्ट दोस्तों आपको ये बताएगा कि किसी तरह कैसे जो है जुगाड़ करके आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। दम आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल कुछ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोस्तों ये वो तरीका है जो कि बिना बहुत मेहनत किए हुए आप सीख सकते हैं। जी हाँ, कुछ वर्ड्स हैं, मान लीजिए कि 50 60 100 के आसपास कुछ वर्ड्स हैं, पार्ट्स ऑफ वर्ड। अगर उन पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कर लेते तो आपके लिए जो कोई भी वर्ड मीनिंग पढ़ना हो वो भी ईजी हो जाता है। बहुत समझ के उसको देखिए याद कर लीजिए। लेकिन सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि उन पार्ट को जब आप याद करेंगे तो आप जो कोई भी टेक्स्ट उठाइए उसके बाद उन पार्ट को खोजेंगे कि आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो उसको यहाँ पार्ट को पहले याद करिए। पार्ट को याद करने के बाद खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि कैसे याद करना है, फिर वॉवल्स का इस्तेमाल करेंगे कैसे। तो चलिए जैसे यहाँ पर कुछ समझने के लिए मैं बात आपको बता दूँ कि पहले करना क्या है। आपको मान लीजिए कि मुझे नहीं पढ़ने आ रहा ये वर्ड, ठीक है, तो ये एक पार्ट है। मैं बोल दूँ कि भाई आई इंग है, उसको इंग याद कर लीजिए। आप खोजिए, आप लिस्ट से देखेंगे भाई तो इंग है, इंग को याद करेंगे। ई एन देखेंगे तो यार ये दिख गया है वेन, ई एन वी के पहले लगा हुआ है ना, तो वेन हो गया। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, ई एन टी आर के पहले अगर लगा हुआ तो रेंट हो गया, तो ये हम लोग समझ लेंगे है ना। इस तरह से समझ लेंगे कि भाई कैसे कैसे पढ़ाता है। अब यहाँ पर बहुत कुछ सेम टू सेम नहीं है, तो चले अब आगे बात करते हैं, समझ में आएगा धीरे धीरे। तो कैसे प्रैक्टिस करना है, जैसे मान ली कोई वर्ड है, यहाँ लिखा हुआ मिनरल्स, मिनरल्स देखिए इसमें दो पार्ट है, एक तो ई आर है, एन के साथ लगा तो नर हो गया, ए एल है, ये तो दो पार्ट है, आर और अल, तो मिनरल ऐसे लग गया, मिनरल्स हो गया। एंड ए ई नर, ई देखिए ई आर है, एन लगा नर, ई नर जी, ए ई को यहाँ ए बोला गया तो ए नर जी। री एक भी एक पार्ट है, री सोर्सेस हवन, ठीक है, हवन कम्स, ठीक है, टू गुवाहाटी, गुवाहाटी, ठीक, गुवाहाटी, गुवाहाटी विद हिज फादर, ई आर को आर बोलते हैं, फ्रॉम ओ एम को एम बोलते हैं, फ्रॉम आर रिमोट, आर ई देखिए ऊपर भी री था, यहाँ नीचे भी री है, विलेज ए के बाद ई है, तो एज पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं, ऐसे भी एज ई एक पार्टी है तो एज पढ़ते हैं, तो दोनों तरफ समझिए। विलेज ए को ए के बाद ई आया तो ए का उच्चारण ए होता है, और ए जी ई भी एक पार्ट है तो एज हो गया। तो विलेज ही सीज पीपल गेटिंग, आई एन जी इंग है, गेटिंग, गेटिंग इन टू एस्ट्रेंज, एस्ट्रेंज हाउस लाइक, दोस्तों ये ऑब्जेक्ट, जी हाँ ऑब देखिए ऑब्जेक्ट, जेक्ट से ऐसे लग गया, विच मूव, ओ को यहाँ पर ऊ के रूप में उच्चारित किया गया तो मूव अलोंग, ओ एन जी ऑंग एक पार्ट है तो इसको याद रखिए, तो अलोंग हो गया। द रोड ही ऑल्सो सीज अ किचन, टी आई एन को च बोलते हैं और ई एन को एन बोलते हैं, तो च के साथ एन लगा तो चेन हो गया, किचन, ड्रैगिंग, ड्रैगिंग इंग हो गया, अ नंबर, ई आर को लगते बी लगा बर, अ नंबर ऑफ हाउस, हाउस अलोंग, ओ एन जी ऑंग अलोंग विथ इट, ही इज अमेज्ड, ए के बाद ई है, ऐसे भी ई डी को एड बोलते हैं तो ए को ऐसे बोला गया अमेज्ड, एंड आस्क्ड, ई डी बोलते हैं आस्क्ड हिज फादर, ई आर को बोल फादर, वाई डोंट आवर हाउसेस मूव लाइक द वन वी सॉ इन गुवाहाटी, गुवाहाटी, बा बा रिप्लाइज, आइए इसको इज बोलते रिप्लाइज, दीज आर नॉट हाउसेस, दे आर बसेस, ट्रेन्स, अनलाइक आवर हाउसेस दे आर बसेस एंड ट्रेन्स, अनलाइक आवर हाउसेस मेटल, एल्कोहल बोलते हैं, लाइक आयरन एंड एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम, तो उसके बाद देखिए आई आ छूट गया है, एल्यूमिनियम आर यूज्ड इन मेकिंग दीज, दे डू नॉट मूव ऑन देयर ऑन, देखिए ये ऑन को याद रखिएगा, बहुत सारे वर्ड में लगता है ये सफिक्स के रूप में, तो दे आर
ड्राइवेन, ई एन हो गया ड्राइवेन बाई एन इंजिन विच नीड्स एनर्जी, एनर्जी टू वर्क, जी हाँ वर्क वी यूज डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स इन आवर डेली लाइफ मेड, एक के बाद ही है मेड फ्रॉम मेटल, कैन यू लिस्ट ए नंबर ऑफ आइटम्स यूज इन योर योर हाउस मेड। दोस्तों इस तरह से आप पढ़ना सीख सकते हैं। चलिए कुछ दो लेटर वाले वर्ड्स पे भी फोकस कर लेते हैं, जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे साथ ध्यान से पढ़े। टेढ़े टेढ़े वर्ड्स जब पढ़ेंगे तो उच्चारण जो आपका जो टंग है आपका जवान जो है क्लियर होगा इंग्लिश पढ़ने को लेकर। इसलिए देश दुनिया की जो वर्ड्स है उसको मैं ला रहा हूँ और देख रहे हैं आप। लैथरिज्म, ऐसे बोलिए लैथरिज्म, बोलने में भी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं तो यहाँ बगल में हिंदी लिख दिया गया है आप पढ़ सकते हैं। लैथरिज्म, लैथरेटिक, इक है टी लगा टिक हो गया। फिर देखिए लैथी रूसेस, नेक्स्ट है लैटी सिफा, ई आर को और बोलते हैं लैटी सिफा। लैटी क्लेप्स, क्लेप्स एक के बाद ही है क्लेप्स हो गया। लैटी फंड डिया, लैटी फंड डिया आई ए को ई बोल रहे हैं लैटी फंडियो। फिर देखिए लैटी म, लैटी मरियास, लैटी मरियास लैटिनाइजिंग। नेक्स्ट देखिए लैटिनाइनिस्टिक, लैटिनिस्टिक। नेक्स्ट है लैटिनिटीज, आई एस पीज बोलते हैं लैटिनिटीज। उसके बाद देखिए इधर शुरू से तो नीचे से नहीं दोस्तों ऊपर से स्टार्ट करेंगे। लैटी देखिए यहाँ पर है लैटिनाइज, तो ये है लैटिनाइजिंग, लैटिनाइजिंग इंग हो गया। लैटिसीमस, फिर देखिए लैटिटेशन, टी एन क्वेश्चन बोलते हैं लैटिटेशन, लैटिटेशन। फिर देखिए लैट्रेशंस, लैट्रेशंस। नेक्स्ट है लैट्रोसीनिया, नेक्स्ट है लैट्रोटॉक्सिन, लैट्रोटॉक्सिन। लेटर, लेटर मैथ, फिर देखिए लेटर मोस्ट, लैटिसिंक्स, लैटिसिंक्स। नेक्स्ट है लैटिसिनियो, लैटिसिनियो। और ये लाउडेशंस, लाउडेशंस। नेक्स्ट देखिए दूसरा है लाउडेटिव्स, लाउडेटिव्स। लाउडर, ई आर को बोलते डी लगा डर होगा लाउडर डेल, एक के बाद लाउडर डेल। लाफिंग, आई एन जी किंग बोलते लाफिंगली। नेक्स्ट है लाफ, लाफ लाइंस। नेक्स्ट है लाउंसे गेयर। नेक्स्ट है लाउंसेस्टन, लाउंसेस्टन। इसके देखिए लाउंचिंग्स, लाउंचिंग्स हो गया। लाउंच पैड्स, लाउंडरर्स, लाउंडरर्स। लाउंडरिंग, और यह लॉन्ड्रेट। नेक्स्ट देखिए सर लॉन्ड्रोमैट। नेक्स्ट है लॉन्ड्री, लॉन्ड्री मैन, लॉन्ड्री मेन। लॉरेसियस है ना, वही उसको याद रखिए यहाँ पर। लॉडलाइट, लॉरीटिंग, आई एन जी किंग बोलते हैं लॉरिएशन, लॉरिशन। अरे लॉरेलिंग, आई एन जी किंग बोल लॉरेलिंग। लॉरेंटियन, लॉरिनबर्ग, और है लॉरुसिसियन। तो दोस्तों इस तरह से आप पढ़ना सीख सकते हैं, टेढ़े टेढ़े वर्ड्स आपका जवान क्लियर करेंगे और उच्चारण भी। अब देखिए वॉवेल कैसे कैसे पढ़े जाते हैं, इसको भी ध्यान से देखिए। जैसे ए है, अब ए को हिंदी में अ तो बोल सकते हो, उच्चारण में अ बोल सकते हैं, लेकिन अगर सिंगल मिले तब इसको ए ही बोलिएगा। लेकिन ए को सिर्फ ए ही, अ ही नहीं बल्कि आ ए ऐ ये भी बोलेंगे, यानी इंग्लिश का ए भी बोलेंगे, हिंदी का अ आ और ए भी उच्चारण करेंगे। जैसे मेडल में एक औचारण अ हो रहा है, मास में एक औचारण आ, मेड में एक औचारण ए, मैन में एक औचारण ए। उसके बाद ई को, ई को देखिए, ई से अ मतलब सिर्फ ई, देखिए एक्चुअली ई को सिर्फ ई ही नहीं उच्चारण करेंगे बल्कि अ भी, आ भी और ए भी उच्चारण। जैसे वाटर में ई को ई पढ़े तो वाटीर हो जाता, वाटीर ऐसा तो नहीं पढ़ रहे, वाटर पढ़ रहे हैं, यानी अ बोल रहे हैं, इसको अ बोल रहे हैं। पेन में ई को क्या बोल रहे हैं, ए पेन। पीस में ई को क्या बोल रहे हैं, ई बोल रहे हैं। और सी के बाद जो ई लगा हुआ है इसको दोस्तों अ बोल रहे हैं, अ पीस। नेक्स्ट देखिए ई को, आई को क्या क्या बोलते हैं, तो आई को अ आ ई ई और आई बोलते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल समझिए, पी आई एन पीन में आई का उच्चारण क्या होता है, ई ई, जी हाँ ई। और बड़ा तीन भी बोल, पीन ऐसे भी पीन बोल सकते हैं, उच्चारण में तो अंतर नहीं होता,
टायर में आई का उच्चारण आई हो रहा है, डिफरेंट सर्कल में आई का उच्चारण स, सी आई से स होता है और ये उच्चारण जो है दोस्तों अ के रूप में हो रहा है सर्कल। नेक्स्ट देखिए ओ को क्या क्या बोलते हैं, ओ को दोस्तों अ बोलते हैं, आ बोलते हैं, ऊ बोलते हैं, ओ बोलते हैं, है ना, देखिए अ आ उ ओ बोलते हैं, चार तरह से बोल रहे हैं ना। इसमें ओ एस ओ एम सम में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, आ हो रहा है। अब अबाउट में ओ का उच्चारण आ हो रहा है, अबाउट। प्रूव में ओ का उच्चारण ऊ हो रहा है और टोन में ओ का उच्चारण ओ हो रहा है ना। प्रूव में या आप इस तरह से टुडे बोलिए, टुडे टुडे, तो ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, ऊ, टुडे। नेक्स्ट देखिए यू को क्या क्या बोलते हैं, यू को अ आ ऊ, उसके बाद यू बोलते हैं, जैसे बी यू टी बट में यू को अ बोलते हैं, पी यू टी पुट को ऊ बोलते हैं। लोग कहते हैं कि बी यू टी बट जब होता था पी यू टी पट क्यों नहीं होता, पुट क्यों होता है, तो दोस्तों ये इसलिए क्योंकि अंग्रेज लोग जो है अंग्रेज लोगों ने इसे ही बोला कि भाई ये बी यू टी बट है हमारे लिए और ये पी यू टी पट पट नहीं पुट है हमारे लिए, तो उनको ऐसे ही बोलना होगा। अब उनसे अब ऐसा नहीं कह सकते हैं, जैसे आप यहाँ किसी चीज़ का नाम रखते हैं या जो इंडिया में कोई शब्द का निर्माण होता है, भाषा परिवर्तित होते रहता है समय के अनुसार, तो उसका निर्माण जो भी है हम ही लोग रखते हैं और अंग्रेज लोग उसको फॉलो करते हैं, उसी तरह उनका जो भाषा उनका लैंग्वेज है उसका उनके लैंग्वेज को हम लोग फॉलो करें, ना कि अपने लैंग्वेज को। तो यही रीज़न है, वे जो जो वर्ड्स का उच्चारण करेंगे उन लोगों ने किया है वैसे ही हम लोग करना है। जैसे ट्यून में यू का होता है ट्यून, ई यू के रूप में ट्यून, है ना। अब डबल ओ के साथ क्या क्या उच्चारण हो रहा है, तो देखिए अ है ना, अ भी होता है, आ भी होता है, ऊ भी होता है, वो होता है, जिसमें और वो भी होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एस डबल एन सून में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हुआ और फ्लड में एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ के रूप में हुआ। और देखिए एफ एल डब्ल्यू आर फ्लोर, डबल ओ सब भी जगह है लेकिन यहाँ वाला में ओ के रूप में उच्चारण हो रहा है फ्लोर, है ना। तो ये सब चीज़ समझना होगा। अब चलिए दोस्तों वर्ड्स के लिस्ट देखते हैं, वे लिस्ट कैसा कैसे। टन, अब इसे टी एन को कैसे सिंगल मिलते हैं तो लोग टन पढ़ देते हैं, टन गलत करते हैं दोस्तों। ये जो टन जो है आपको दिख रहा है, टन एक्चुअली नहीं, ये है सन। अब सन कैसे है इसको डिटेल में अगर समझा दें तो आप ये समझ लीजिए कि टी आई को स बोलते हैं और ओ एन को अन बोलते हैं, तो स प्लस अन मिलके सन हो गया, ये आधा स होता है, स प्लस अन मिलके सन हो गया, सन हो गया, है ना। टन नहीं, टी आई को स पढ़ते हैं, तो जैसे एन ए एन ए टी आई ओ एन रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, सन नहीं पढ़ेंगे, नेशन, या इस तरह से पढ़िए वी ई एन क्या पढ़ेंगे, भेन, एम ई एन क्या पढ़ेंगे, मेन, ए सी एन क्या पढ़ेंगे, सेन, इस तरह से पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ इसेंशियल, ई इसेंशियल, टी आई एल को सी एल बोलते हैं, तो इसको यहाँ भी टी आई से सी हो रहा है, एल को एल बोलते हैं, ई एन को एल बोलते हैं, इसलिए सेन, तो देखिए ई एन है यहाँ पर, ए सी एन सेन है ना, तो इसेंशियल दो पार्ट मिल गया। कन को लेकर क्या बनता है, जैसे कंज्यूमर, यार कॉल बोल एक पार्ट ये एम लगा मर हो गया, सी वन, सी वन कन है, दो पार्ट हो गया। उसके बाद चर बोलते हैं, जैसे नेचर, नेचर में एन ए को एन ए टी यू आर ई, तो टी यू आर ई को चर बोलते हैं। और कम कंप्यूटर, सी ओ एम प्यूटर, कंप्यूटर में यार को आर बोलते हैं, टी लगा टर हो गया, सी एम को कम बोलते हैं, तो कम भी है टर भी है ई आर भी है। देखेंगे आप यहाँ चुअल है, जैसे फैक्चुअल लिखते हैं, फैक्चुअल फैक्चुअल, तो टी यू एल को चुअल बोलते हैं। देखिए ई आर है, ई आर यहाँ पर आर है, टी लगा टर हो गया, ई आर है, एम लगा मर हो गया, तो कंप्यूटर कंज्यूमर ई आर है ना। नेक्स्ट देखिए प्रो, प्रो से बनता है एक वर्ड ले लेते हैं, ताकि प्रोविजन। अब देखिए यहाँ पर प्रो भी है जन भी है, लेकिन ए सन को यहाँ भी जन बोलते हैं और सन भी पढ़ेंगे कब, एस आई एन को, जैसे एक वर्ड ले लेते हैं सी डबल ओ एम आई, सी डबल ओ एम आई डबल एस आई ओ एन, तो एस आई एन को यहाँ पर सन भी पढ़ा जा रहा है, कमीशन, और कम भी है। जैसे इम्पॉर्टेंट वर्ड ले लीजिए टेन का, इम्पॉर्टेंट है ना, इम्पॉर्टेंट है, तो टी एन टी टेंट हो गया। अब जैसे यहाँ नेशनल कर दीजिए, नेशनल है ना, तो यहाँ देखिए टी एन को सन बोलते हैं, एल को अल बोलते हैं, तो यहाँ अल हो गया ने नेशनल। नेक्स्ट देखिए लॉजी, जैसे इकोलॉजी, जैसे यहाँ पर देखिए फेसियल,
एल से बना वर्ड, एफ ए एफ ए सी आई ए एल, फेसियल। उसके बाद देखिए टिव, जैसे कलेक्टिव देख लेते हैं, सी ओ सी ओ सी ओ सी ओ डबल ए डबल एल ई सी टी आई वी ई, तो ये टिव है। तो क्या है कलेक्टिव, जैसे सिव देखिए कॉम्प्रिहेंसिव, सी ओ एम कॉम हो गया, पी आर ई प्री हो गया, तो पी आर ई से प्रे भी होता है प्री भी होता है, कॉम्प्री हेन हो गया, ई एन हो गया और सी भी हो गया, एस आई भी ई सी हो गया। तो सिव भी है, हेन भी है, प्री भी है, कॉम भी, चारों अलग अलग पार्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉम भी है ना, और प्री भी है, प्री आप आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। एच ई एन करते हैं यहाँ पर तो हेन भी हो जाता है, हेन और सिव तो है ही, कॉम्प्रिहेंसिव चार पार्ट है। नेक्स्ट देखिए ईज, जैसे ड्यूटीज, ड्यूटीज में हो गया इज या इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस, ये टेंस है, इम है पॉ है टेंस, इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट देखिए जैसे आई एन आई इनिशिएटेड, तो देखिए टी आई को सी ए बोलते हैं, या प्रेजेंस पी आर ई एस ई एन सी ई प्रेजेंस प्रे प्रेजेंस। फिर देखिए टेड, जैसे यहाँ टेड लगा हुआ ना तो सी ए के साथ टेड लगा हुआ, इनिशिएटेड मेन है, देखिए यहाँ मेन अगर लिखना है तो एम ए आई एन मेन है ना। अगर रेन लिखना है तो आर के पहले ए आई एन जोड़ दीजिए, रेन सिंपल है, रेन मेन अगेन टेन लेन है ना, कई वर्ड बन जाते हैं, टेड तो है ही। नेक्स्ट देखिए एज, जैसे लिंकेज, लिंकेज लिंकेज हो गया तो एज हो गया, लिंक के साथ एज लगे लिंकेज। वेस्ट देखिए वी ई एस टी वेस्ट, या एन ई एस टी नेस्ट है ना। नेक्स्ट देखिए इधर ओ आओ, ओ डब्लू, ओ डब्लू के साथ क्या क्या वर्ड बनेगा, तो ओ आओ, जैसे एन ओ डब्लू रहेगा तब क्या उच्चारण होगा, आओ होगा, नाउ। अगर यही के एन ओ डब्लू रहेगा तब क्या उच्चारण होगा, ओ नो है ना, नो बिलो लो इस तरह से। उसका श्योर देखिए, जैसे ए डबल एस यू आर ई डी एश्योर्ड। नेक्स्ट देखिए ए, ए वाई है, ए वाई के ऊपर डी लगा दीजिए डी हो जाएगा, एस लगा दीजिए सी हो जाएगा, आर लगा दीजिए रे हो जाएगा, पी लगा दीजिए पे हो जाएगा, जी लगा दिए जे हो जाएगा, ये हो जाएगा, एल लगा दिए ले हो जाएगा, एम लगा दीजिएगा मे हो जाएगा, कई वर्ड बन जाते हैं। ट्री से क्या क्या वर्ड होता है, जैसे जोड़ लेते हैं, कन ट्री ब्यू टेड, तो ये टेड है, ये कन है, ट्री है, तो ट्री को यहाँ पर आप देखिए है ना, टेड भी है कन भी है, तीन तीन पार्ट, सिर्फ बी यू तो पढ़ना था, या एट को लाया गया, जैसे एम ए टी मैट, या टी एच ए टी डैट। इको से क्या होता है, इकोनॉमिस्ट इकोनॉमी इको नॉमी। नेक्स्ट देखिए एट, जैसे एम ए टी ई मेट है ना, आर ए टी ई रेट, अर्न से क्या होता है, जैसे टर्न है ना, टर्न, या कंसर्न। प्री से क्या होगा, प्रीसेट, प्रीसेट प्रीफिक्स भी मैंने बोला था, प्रेजेंट भी हो सकता है, प्रेजेंट, तो प्री भी प्रे, प्री या प्रे दोनों उच्चारण होते हैं, प्री या प्रे दोनों, प्रेजेंट। उक से क्या होता है, जैसे टी डबल ओ के टुक, एल डबल ओ के लुक। अस से क्या होगा, जैसे कंटिन्यू अस, अस है कन भी है टी भी है न्यू भी है, कंटिन्यूअस। एल वाई से ओनली, ओनली। नेक्स्ट देखिए कल, तो यहाँ से देखिए सी यू एल कल और टी यू आर ई चर, तो कल भी है चर भी है। को से क्या होता है, कोऑपरेशन, को हो गया ओपे रेशन, कोऑपरेशन। नेक्स्ट देखिए आइट, तो आइट जो है आप यहाँ आइट देख रहे हैं, तो ये जैसे कि एल लगा दीजिए आइट के पहले तो नाइट हो जाता है, एल लगा दीजिएगा तो लाइट हो जाएगा, अगर एफ लगा दीजिएगा फाइट टाइट राइट
ब्राइट, ब्लाइट है ना, कई वर्ड बन जाते हैं इंग को लेकर, जैसे एक्शन वर्ड में और या कहीं भी इंग लग जाते हैं। एक्शन वर्ड खासकर गोइंग, डांसिंग, लाफिंग, रनिंग इतने वर्ड में, या एक्ट को लेकर जैसे एक्सेस, ACCEES, तो ई डबल एस से कई वर्ड बन जाते हैं, जैसे एक्सेस हो गया। यहाँ पर देखिए पुलिस में देखिए POLICE पुलिस, जिसमें सी को सा बोलते हैं। यहाँ पर लेस से भी वर्ड देखिए, जैसे ई डबल एस है, यहाँ भी ई डबल एस है लेकिन एल के साथ, यहाँ सी के साथ है, एन के साथ भी ई डबल एस आता है। तो मान लीजिए लैंडलेस लिखना हो तो क्या करेंगे, लैंड लेस है ना, लैंडलेस हो गया। या LM है, जैसे क्या करेंगे यहाँ पर, काम, अगर काम देख, काम में एल जो है साइलेंट हो जाता है, यहाँ पर एल साइलेंट है, काम। वॉक है ना, वॉक में क्या है, एल साइलेंट है। लॉज में डी साइलेंट है, लॉज। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑन, जैसे SONG सॉन्ग, रॉन्ग, अमोंग, GN में जैसे कि क्या होगा, SIGN साइन उच्चारण होता है। नेक्स्ट देखिए कुछ और, जैसे ENT क्वेंट बोलते हैं, जैसे RENT रेंट हो गया, MENT मेंट हो गया है ना। ऑन से जैसे ऑन लाइन, ऑनलाइन। ये देखिए इम को लेकर क्या क्या होता है, तो इम से एम्प्लॉई, एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड। ऑन से ड्रोन या प्रोन। नेक्स्ट देखिए एबल, जैसे कंफर्टेबल लिखते हैं COM कम फॉर टेबल, कंफर्टेबल, TE से T। अगर डिस जुड़ जाए इसी में, देखिए यहाँ एक प्रीफिक्स पार्ट है, डिस एक पार्ट हुआ, कम एक से पार्ट, कफा एक पार्ट, और टी एबल का टी लगा टेबल, चार पार्ट में वर्ड बन गया, डिस कम्फर्टेबल। जन, जैसे रीजन है ना, जन। नेक्स्ट देखिए क्योर, प्रिक्योरमेंट, प्रिक्योरमेंट, ENT लेम के साथ क्योर भी है, प्री भी है। ईबल, जैसे सेंसिबल, सेंसिबल है ना, EN है, इसके साथ सेन हो गया, ईवल एस के साथ सिबल हो गया, दो पार्ट में बन गया वर्ड सेंसिबल। या देखिए इम, जैसे इम्बैलेंस, इम्बैलेंस, एंस है, इम है, बैल है, इम्बैलेंस। या एक्स को एक्स बोलते हैं, या एक्स बोलते हैं, जैसे एक्सचेंज है ना, या एक्स एग्जाम, दो पार्ट हो गया। चलिए अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमारे वीडियो को अगर आप डे वन से देखना चाहते हैं तो ओमनी चैनल इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में या गूगल पर टाइप कीजिए। वीडियो की संख्या 1.1K है, जी हाँ, 1100 के आसपास वीडियोज़ है। अगर आपको पढ़ना सीखना है या फिर लिखना है या फिर बोलना, सब कुछ सीखेंगे, क्योंकि हर एक वीडियो अलग अलग है, डिफरेंट है और प्रैक्टिस के साथ है, तो आप सीखेंगे बहुत जल्दी दोस्तों, और एकदम बिल्कुल ही गारंटी के साथ। दोस्तों देखिए आपको तो ना ग्रामर की बुक लेना है, मोटिवेशन सही करना है, एक कॉपी जरूर खरीद लीजिए, कॉपी पे हमारे वीडियो देखिए तो उसको लिखते चले हिंदी इंग्लिश करके। जब आप लिखेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि आप जो रूल रेगुलेशन जो है आपको अलग से याद नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि वह सेंटेंस स्ट्रक्चर पे सेट कर दिए गए हैं। तो करना यही है कि लिखते समय जो है बोल बोल कर लिखना है, जिससे लिखने भी आ जाएगा, बोलने भी आ जाएगा। जी हाँ, तो चले सब कुछ यहाँ आसानी से पढ़ ही रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीख रहे हैं, तो ये भाई देखिए एक पार्ट है, इस पार्ट को अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए पढ़ना अंग्रेजी। जैसे मैंने वोवेल पे सारे वर्ड्स लिए, ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से लिए हैं, आपको क्या करना है कि 200 वर्ड मीनिंग कलेक्ट करना है, जिसका उच्चारण आपको पहले से आता हो, स्पेलिंग करेक्ट उच्चारण आता होगा, स्पेलिंग भी आपको पता हो, और 10 दिन तक यानी 20 वर्ड को लेकर प्रैक्टिस कीजिए। 11वें दिन दोस्तों अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आएगा तो मेरी जो है गारंटी है कि आप जो कहें वो तो हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ दिक्कत है तो यानी आप में दिक्कत होगी, क्योंकि तरीका यही है। अब इसे कंपनी मालिक एक ठेला वाला भी जानता है, कुछ नहीं पढ़ा हुआ ठेठ गंवार भी, अंग्रेजों का जमाने का आदमी भी जानता है कंपनी, भाई कि कंपनी
कोई कंपनी में कोई इंसान काम करता है, वो उसका बच्चा कंपनी उस फला कंपनी में काम करता है, कंपनी में काम करता है, तो ए जो कंपनी में एक अवचन क्या किया उन्होंने, या कोई भी तो आ कर रहे हैं। सॉल्ट में एक अवचन क्या हुआ था, आ हो रहा है, घर के यूज वाले वर्ड है, डेली यूज वाले। केयर में एक अवचन क्या हो रहा है, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने ये लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैप में एक अवचन क्या हुआ, तो आ हुआ। लेकिन जो वो लोग वही वर्ड ले जो कि उनका उच्चारण पहले से वो कर चुके वैसा ही वर्ड लीजिए, ऐसा नहीं कि डिफरेंट ले लीजिए भारी भारी और कभी आपने उसको पढ़ा भी नहीं हो सुना भी नहीं हो, एक बार पहला सुना देखा, प्रैक्टिस तो बाद में हो ही जाएगी। पहले आप अपने आप को पहचाने कि आप कितने पानी में, यानी आप कितने समझते हैं इंग्लिश वर्ड को, इसका जाँच कीजिए। जैसे ई को लेकर क्या क्या उच्चारण होता है, जब परफेक्ट में ई का उच्चारण अ हो रहा है, यानी अ होता है, फेक्ट वाला ई जो है उसका ई का उच्चारण ए हो रहा है, यानी ए भी होता है। प्रीफिक्स में जो ई है उसका उच्चारण ई के रूप में होता है, और छोटी बोले बड़ी बोले टेन में जो ई का उच्चारण है वो ए के रूप में हो रहा है, टेन। एस आई सर में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, सर में आई का उच्चारण अ हो रहा है। फिग में आई का उच्चारण छोटी या बड़ी हो रहा है, यानी छोटी भी कह सकते हैं बड़ी भी कह सकते हैं। लाइन में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, आई लाइन, सुन सॉरी एस ओ डबल एन सन में ओ का उच्चारण क्या हुआ, सन, अ हो रहा है। और आउट में ओ का उच्चारण आ, प्रूव में ओ का उच्चारण ऊ हो रहा है, और मोटो में दो है, एक एम के साथ एक टी के साथ, मोटो दोनों का उच्चारण ओ हो रहा है। बट में यू का उच्चारण क्या हुआ, अ के रूप में बट, पुट में यू का उच्चारण क्या हुआ, ऊ के रूप में पुट, ट्यून में यू का उच्चारण क्या हुआ, ई यू के रूप में ट्यून। अब एफ एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो अ हो रहा है फ्लड, और लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, ऊ। दोस्तों आपसे यही कहना है कि बस वैसे वर्ड लीजिए जिसका उच्चारण आपको पहले से आता हो और इसका स्पेलिंग भी आपको पता हो, और उसके बाद उन्हीं वर्ड्स पे प्रैक्टिस कीजिए, 200 ऐसे कलेक्ट कीजिए, नहीं समझ में आ रहा 300 लीजिए 400 लीजिए, लेकिन उसी पर प्रैक्टिस कीजिए, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। 11वें दिन के बाद आपको खुद ब खुद किसी वर्ड को जैसे हिंदी में बोलते लिखते हैं उसी तरह हिंदी में इंग्लिश में बोल पढ़ भी लेंगे और लिख भी लेंगे किसी वर्ड को। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता, खासकर हमारी आधी आबादी को, यानी घर के जो जो हमारे देश की है, जो इंडिया है या देश से बाहर जो लोग भी हैं जो हिंदी से इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं उन सभी को करिए। साथ ही दोस्तों नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए जिससे पता चले कि वीडियो कब आता है, और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करने वाले हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए, जी हाँ, और लाइव क्लास चाहते हैं तो मैसेज कीजिए मिल जाएगा, आप हमारे ऐप पर आकर जब जुड़ेंगे तो आपको जरूर कॉल बैक किया जाएगा। और कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए, धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो, तो ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।